हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे किचन एशियन रेसिपी में। आज मैं बनाने वाली हूँ क्रिस्पी पोटैटो फ्रेंच फ्राइज रेसिपी। ये आलू लिए हमने, इसे छील लिया है और इस तरीके से लंबे लंबे इस तरीके से काट लेंगे। इस रेसिपी की खास बात यह है कि आप इसे बनाकर स्टोर कर सकते हैं फ्रीजर में और जब भी दिल चाहे फ्राई कर सकते हैं। तो इस तरह हमने आलूओं को काट लिया है और इसे पानी में डालते जाएंगे। तो ये हमने पानी से धो कर के एक भगोने में डाला है जिसमें हमने पानी लिया है और इसमें नमक डालेंगे और फिर इसे उबलने के लिए रखेंगे। इसे 70% कुक करना है। और इस तरीके से चलाते रहें। और इस रेसिपी की एक ख़ास बात यह है कि आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं और आपका जब भी दिल करे इसे फ्राई कर सकते हैं। तो ये चलाते हुए हमने आलू को उबाल लिया है और एक हमने बड़ी छन्नी ली है, नीचे एक बर्तन लगाया है और छन्नी से छान लेंगे आलू को। तो ये आलू हमारे छन गए हैं, काफ़ी गर्म है और पानी हमने फेंक दिया है। इसे रख देंगे, थोड़ा पानी इसका निकल जाए, फिर इसे आप फैला कर सुखा सकते हैं कपड़े पे, या धूप हो तो धूप में से सुखा सकते हैं। इसका पानी बिल्कुल निकल जाना चाहिए। फिर हमने इसे फ्रीजर में आलू तैयार करके आप फ्रीजर में स्टोर कर सकते हैं किसी बॉक्स में या पॉलीथीन में और जब भी आपको दिल चाहे फ्राई करें। ये हमारे पोटैटो फ्रेंच फ्राइड बनकर तैयार हैं, बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। तो इस तरीके से आप भी बना सकते हैं, इसे चटनी के साथ सर्व करें। रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।